बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली, आप इनको बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, बड़ी सच्ची पेशगोईयां कर रहे हैं, इनका सिक्का चल रहा है, इनको वैसे इनके जायके में लगता है अल्लाह ने शोहरत लिखी हुई है जो इनको मिल रही है। तो आज फिर इनसे हमने टाइम जो है वो उसामा साहब से उधार नहीं है कि हमें थोड़ा सा टाइम जो है वक्त दान करें, क्योंकि बरतानिया के हवाले से हमने एक वीडियो बनाई थी कि वहाँ क्या होने जा रहा है। अभी बीबीसी की एक रिपोर्ट भी चल रही थी, उनका प्रोग्राम सैर बीन है, कि बरतानिया में जो कुसाद बाजारी है, जो इकोनॉमिक रिसेशन है वो सर उठा रहा है। जो 19-20 पाउंड में वो एक हफ्ते की ग्रॉसरी करते थे, हम 19-20 पाउंड में वो दो दिन की मुश्किल से निकाल सकते। नाज़रीन आगे क्या होने वाला है, गुरबत और फाके बढ़ने वाले हैं, बरतानिया के लोगों के लिए क्या जो है वो कहाँ हिजरत कर सकते हैं और किस चीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस्लामोफोबिया और इसके जो असरात बढ़ रहे हैं खसूसन बरतानिया में, इसके ऊपर भी जो है वो उसामा भाई की हम इनपुट लेंगे। और जंग के बादल जो है वो बरतानवी अवाम की जिंदगी किस तरह मुश्किल करने वाले हैं। उसामा भाई थैंक यू वेरी मच आपके वक्त का, आपने बड़ी अच्छी जो है वो बड़ा अच्छा उसका रिस्पॉन्स आया जो लास्ट वीडियो हमने की थी। लेकिन बरतानिया में आपको तो देखे ना, बाकायदा बीबीसी रिपोर्ट कर रहे हैं कि कुसाद बाजारी जो है वो बढ़ना शुरू हो गई है और बरतानवी लोग जो हैं उनका म्यार जिंदगी डाउन होता जा रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। सबसे पहले आपका शुक्रिया। उसके बाद रिजवान साहब, बात यह है कि ये बुनियाद को समझे, ये इस्लामोफोबिया नहीं बढ़ रहा, इस्लाम अभी तक दुनिया में आया ही नहीं है। इस्लाम की जो असल डेफिनेशन थी वो कभी किसी ने देखी नहीं है। और ये जो कहानी है इस्लामिक रूल और ये जी सल्तनत है उस्मानिया और फलानी, कहीं भी जुल्म सितम हर तरफ हर जगह हर दौर में रहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 35 साल बाद कर्बला हो जाता है, उनका खानदान काट दिया जाता है, कोई उसका आज तक पूछने वाला नहीं है, उनका हर बच्चा जो है पाबंद सलासल किया जाता है या जहर के प्याले दिए जाते हैं, वो क्या कहते हैं लकोदक सहरा में, और पूरी दुनिया में उस वक्त मतलब पूरी दुनिया में क्या कह सकते हैं, ईरान तक तो आप लोगों के झंडे थे और उस वक्त तक आप लोग एक बड़ा अंपायर खड़ा कर चुके थे इस्लामिक, तो कौन सी उसी के अंदर आपके ही खानदान रिसालत ही इनसिक्योर था। तो इस्लाम तो अभी तक नहीं देखा गया, और ऐसी अगर ये ड्रामेबाजी है, अगर इस पे किसी को कोई पेट में दर्द हो आपके, कोई दुनिया का स्कॉलर मुस्लिम, तो वो बात करने के लिए बिल्कुल ओपन है। बात सिर्फ इतनी है कि अभी तक हमारे दिमागों में जब तक ये नहीं उतरा कि मुसलमान जिम्मेदार है हर तरह के जीरू का, कि उसको अमन को यकीनी बनाए, उसमें कोई क्रिश्चियन कोई हिंदू कोई सिख कोई ऐसी बात नहीं है। मुसलमान का मतलब है सलामती से है और सलामती फॉर ऑल। तो वो जो सलामती का जामिन था वो जब एक पार्टी बन के बैठ गया तो इस्लामोफोबिया ही होना था ना सर। तो वो इस्लामोफोबिया की जो बातें हैं वो असल है कि असल इस्लाम तो रोशनास कराया ही नहीं गया, ये सिर्फ वही हुकूमती इस्लाम एक शक्ल के वो जो जहां पैदाइशी पैदा हो गया आपका बादशाह उसका बादशाह तो वो इस्लाम पे हो गया, क्रिश्चियन हो गया तो क्रिश्चियन। इस वक्त दुनिया में ना कोई क्रिश्चियनिटी अपनी असल फॉर्म में मौजूद है और ना कोई इस्लाम। यहूदी है तो वो अपनी प्रॉपर लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और उनका सिम्पसन कार्टून से लेके आप देख लें फोरकास्ट, अपना रहन सहन टोपी अभी तक नहीं, कितने सौ साल गुजरने के बाद भी, दो अगले वर्जन आने के बाद भी अगलों ने अपने आप को बिल्कुल मेंटेन रखा हुआ है अपनी वैल्यूज से, और अपनी जो एक लर्निंग होती है कौम की हर सदी में, उनके पास सदियों की लर्निंग्स है और वो आज तक मैच्योर हैं, जबकि उन्होंने उसी लर्निंग के तहत क्रिश्चियन और मुस्लिम दोनों को ही जेल करके रख दिया। आज बता कहने को एक क्रिश्चियन स्टेट थी लेकिन वो लेना नहीं है, वहां क्रिश्चियनिटी भी उस तरीके से वो नहीं ग्रो कर रही। तो मसला तो ये पूरी दुनिया का, जब तक ये बातें हमारी अब समझ ना आई अगले मंजर समझ नहीं आएंगे। कोई इस्लामोफोबिया की बात नहीं है, कोई ज़ायनिस्ट की बात नहीं है, दो ही ग्रोह हैं हिजबुल्लाह या हिजबुल शैतान, सिंपल इज दैट। आपको आपका खुदा क्या किसी नाहक के साथ हो जाएगा अगर वो बेशक मुसलमान हो? क्या कीता है आपका कि आप मुसलमान हो
जितना मर्जी पांच वक्त का नमाजी हो, सोम सलात का पाबंद हो, ना हक हो, तो खुदा आपका उसके साथ खड़ा हो जाएगा। बात ही नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि शैतान सबसे बड़ा प्रोफाइल है रीड करने के लिए, जिसने जमीन की कोई जगह सजदे की नहीं छोड़ी। आलिम भी था, आबिद भी था, लेकिन डिसिप्लिन आउट किया, हमेशा के लिए मर्दूद हुआ। खुदा के निजाम की खुदा को एक भी बात, एक भी अपने निजाम के खिलाफ चीज बिल्कुल गवारा नहीं है। वो फिर क्रिश्चियन को टाइम दिया, उन्होंने जो कमाल करना ना किया, फिर मुस्लिम्स को दिया। अब ये सारे उस लपेट में आएंगे, इन्होंने खुदा के निजाम के मुकाबले में निजाम बना के देखने थे, वो देख लिए। तो यूके जो अब आने वाले टाइम में जो सूरत हाल है सर, वो है इस्लाम कब कहता है कि कागज छापो। अब असल में ये जो कागजी क्यामत आनी है, ये कागजी क्यामत है कि आपने रिजर्व्स पीछे यानी नोट ज्यादा छाप रहे हैं। इसीलिए इस्लाम बार्टर सिस्टम को इंडोर्स करता था। जब एक फिक कहती थी, कभी आपने सुना ही होगा, जी फलाने तो जकात नहीं देते, तो वो जकात नोटों पे नहीं देते, वो गंदम पे देते हैं, वो किशमिश पे देते हैं, वो खजूर पे देते हैं, वो जानवर पे देते हैं, नोट पे नहीं देते। तो सेम आपको जो नोट है वो अपनी वैल्यू खो रहा है यूके के अंदर, और ये अपकमिंग टाइम में और खोएगा, सिर्फ इसलिए कि नोट को इंडोर्स नहीं करता, कागज की रसीद को इस्लाम नहीं मानता। क्योंकि ये पीछे आज देखेंगे सारे तमाशा, आप समझ आएगी। जैसे वो डॉक्टर इसरार अहमद का एक दफा मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा जी फलानी फिक की जो विरासत के मामलात पे रिसर्च थी ना, वो बड़ी अच्छी थी, और मैं उनको मान गया विरासत की तकसीम पे। उन्होंने बड़ा, मतलब आपको पता, वो बड़े बोल्ड बोला करते थे। तो आज अगर वो होते तो आज आपको ये कागजी इस पे भी कह रहे होते कि फलानों की आज मैं जकात ना देने की वजह समझ गया कि वो कागज पे जकात नहीं देते थे, इनकारी कागज में, क्योंकि कागज अपनी वैल्यू खोएगा। ये एक रसीद है, इसके पीछे रिजर्व तो है नहीं। आप बैठ के, मैं बैठ गया, माल हमारे पास आ गया, हमने कहा दे छाप 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 जितना छाप। वो एक दिन तो आना था जब आपने फिर नहीं करनी थी, नोट ही छाप देने थे, जैसे पाकिस्तान का हाल है। तो पूरी दुनिया ने ये जो करेंसी की एक रसीद का नया सिस्टम राइज किया, खुदा के निजाम में कभी उन्होंने भी कहा है कि अपनी दौलत पे जकात देना। आपके इस्लाम का पूरा नसाब उठा लें, वहां आपको कहीं ये लिखा होगा कि दौलत पे जकात देना, वहां यही बात होगी, खजूर पे, जानवर पे, चीज कमोडिटीज की बात हुई। अब बात है कि ये करें क्या, जब बका यूके की इसमें कि कमोडिटीज में ही इनके पास रिजर्व होना चाहिए। अब इनके पास रिजर्व पाउंड में नहीं होना चाहिए, अब इनके पास कमोडिटीज ही होनी चाहिए। जी गोल्ड जो है, गोल्ड भी एक खास दिनों तक तो है, लेकिन उसके बाद गोल्ड भी नहीं। लेकिन बेसिकली जो आप इन्वेस्टमेंट, जो भी कोई अपने पैसे या कुछ भी होगा, वो किस पे होगा, वो आपकी कमोडिटी रख सकते हैं कि अपना पैसा अजनास में बदल के रखें, अपना पैसा खजूरों में रखें, अपना पैसा इस तरीके से कन्वर्ट करके रखें, और टिकटों के पैसे भी जेब में रखें, जो जो जहां उड़ सकता है, जहां भी कहीं वो, मतलब अपनी जेब में एक एक दो दो टिकट जितने मेंबर्स हैं वो एहतियाती तौर पे इनके पास होनी चाहिए। और असल बात ये है कि इस बात से कतई नजर, अब भी समझ लें, अब भी खुदा के लिए इस्लाम को समझ लें, अब भी बका उसी में होगी, अब भी कहीं कोई दुश्मन नहीं होगा, अब भी कोई आपको इनसिक्योरिटी नहीं होगी, बेशक आप जहां मर्जी हो। लेकिन असल इस्लाम बताएं तो सही, चले एक मिसाल है, मुझे बताएं, अगर किसी दुनिया में आप लोग जो सारे हम लोग सुनते हैं फलस्तीन का शोर मचा हुआ है, आप लोगों को पता है कि अब जब ये फलस्तीन का मामला हो गया, आप उठ के खड़े हो गए, तो यहां तो कोई क्रिश्चियन होता वो भी यही करता, कोई हिंदू होता वो भी यही करता। तो मुझे बताएं, मुसलमान को बर्मा के जुल्म और वो दूसरे जुल्म क्यों भूल जाते हैं, वो चाइना में जो सिंकियांग में होता वो क्यों भूल जाता है, वो जो कहीं भी दुनिया में। प्लस क्या मुसलमान, सवाल आज का ये है, आप इस पे जैसे कहते हैं ना, इस टाइम बात करने की जरूरत है कि क्या मुसलमान किसी हिंदू मुस्लिम का साथ नहीं देने के लिए पैदा हुआ? क्या इस्लाम हिंदू को नहीं तहफ्फुज देता? क्या सिख को नहीं देता? क्या क्रिश्चियन को नहीं देता? जबकि वो आपको पुकारे जुल्म के लिए कि मेरी मदद करो जालिम के खिलाफ, तो आप तो फिर भी पाबंद है। लेकिन क्योंकि आपने अपने आप को, असल जो इस्लाम था, जो रहमतुल्लाह अलमीन की छतरी थी,
जो पूरे जहानों के लिए थी, आपने अपने आप को एक तबका बना के रखा, और आज कोई भी होता यही करता, अब आपकी बात की वक्त ही खत्म हो गई क्योंकि आपने अपनी वैल्यू खो दी। चौधरी उसामा भाई पूरों का ख्याल रखता है, सबका ख्याल रखे। उसामा भाई बर्तानिया के ऊपर जंग के बादल मंडला रहे हैं, यू थिंक जंग की लपेट में ये लंदन और यूके वाले लोग आ सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, अब इनका भी ये टाइम है अब अपकमिंग टाइम में, और डेफिनेटली इनको जो जंग का सामना होगा, क्योंकि देखें प्यूटन के सामने अब अमेरिका नहीं है इधर। अमेरिका का सबसे पहला अलाय कौन है? नंबर टू फ्रांस होगा, जर्मनी होगा, जापान होगा, या आपके स्वीडन, नॉर्वे वगैरह वो सारे। तो भाई आपको कैटेगराइज करना है कि जो जितना अमेरिका के करीब है, जिसके ताल्लुकात अमेरिका से जितने करीब है, वो उतना इनसिक्योर है और उसके साथ में जंग मंडला रही है, सिंपल इज दैट। और इसमें सबसे महफूज तरीन जगह मैं समझता हूँ जो इस वक्त अपकमिंग टाइम में विद इन द यूरोप अगर कोई हो सकता है तो वो आयरलैंड होगा, क्योंकि आयरिश लोग जो है वो बड़ा स्टांस ले रहे हैं, वो अपने आप को शो कर रहे हैं कि हम एक्चुअल इंसानियत परस्त हैं, जैसे कि उन्होंने फलस्तीन के लिए वॉइस रेज की। तो डेफिनेटली उनकी जो न्यूक्लियस है, जो दिमाग है, वो समझ आ रहा है कि वो प्यूटन की भी उस सारी उसमें नहीं जाएंगे उस तरीके से, और प्यूटन भी उसको स्पेयर करेगा। तो यूके जंग में जाना है और यूके दिन गुजार रहे। असल बात यह है कि जो ये जो फेक असल देखें, ये इस दुनिया परस्ती की इब्तदा और ये पूरी आज की जो दुनिया है नमूदो नुमाइश की, ये खड़ी किसने की है? यूके ने। अमेरिका क्या था? अमेरिका आज का अमेरिका को छोड़े, असल जो बुनियाद थी पूरी दुनिया को ये जो नया दौर में दाखिल करने की, वो तो यूके था। बिल्कुल ठीक है। उसामा भाई एक मान बताए कि एक खातून का मैसेज भी आया, मतलब वो कह रही कि पूछ रही थी कि मवासलाती निज़ाम जब तबाह हो जाएगा तो पैसों का क्या करें, एटीएम तो चलने नहीं है, तो फिर क्या होना क्या है? हाँ जी, उसमें उसमें अब बेसिकली ये है कि एक तो अपना एनुअल बजट अब हर साल बनाया करें, यूके वाले भी यूरोप वाले भी एनुअल बजट के हिसाब से अपने सालाना खाने पीने की चीजें रखें। दूसरा ये है कि यूके में तो आई डोंट नो कि अभी तक बंकर शंकर का कोई, शायद वो आम आवाम के लिए तो ना हो लेकिन उनके खास बड़े हैं रेस, उनके लिए बंकर्स भी होंगे, सब कुछ होगा। तो बहरहाल नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन वगैरह तो बंकर्स आवाम को भी कह रहे हैं, बना भी रहे हैं और फूड स्टोरेज की बात हो रही। यूके में ये कि पैसा अकाउंट में कम से कम रखें, पैसा अपना ज्यादा से ज्यादा फूड में रखें और ज्यादा से ज्यादा अपना गोल्ड में रख लें, मूवेबल आइटम है, और गोल्ड और फूड उसके अंदर रखें और पैसा अपना अकाउंटों में ना रखें एहतियाती तौर पे, जैसे पुराने दौर में लोग हुआ करते थे, सारा कुछ घर पड़ा होता था। क्योंकि असल बात यह है कि जब जो सोया हुआ महल याद है ना बचपन की कहानी, वो फिर सारी उठ जाते हैं जैसे, तो ये असल में होता ये होता है कि या फिर एक जिन वो शैतानी दुनिया थी और वो जैसे ही उसने उसकी असल देव का खात्मा किया तो सारा कुछ खत्म हो गया। तो असल होना ये है कि जब ये निजाम जमीन बोस होना शुरू होगा तो फिर उसके छोटे छोटे बनाए हुए सिस्टम्स भी जमीन बोस होंगे। तो उसका एक बहुत बड़ा सिस्टम बैंकिंग सिस्टम है आपका, फाइनेंशियल चेंजेस, जैसे मैं तो पाकिस्तान के तो प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, बल्कि वो कल ही बात हो रही थी तो एटीएम पे गए तो लाइनें लगी हैं, मैंने कहा क्या हुआ, कहते जी बिजली नहीं है तो एटीएम नहीं चल रहे, ये अभी ट्रेलर है, गर्मी नहीं आई। तो बहरहाल आगे यूके वाले फूड अपनी सालाना स्टोर जेब में अकाउंटों में पैसे ना रखें, जो पैसा गोल्ड में रखें, गोल्ड के भी बिस्किट बनवा के रखें उनको, यानी कि प्योर फॉर्म में, और बाकी बस अपनी फूड और गोल्ड। इसके अलावा इनके पास जो है ना कोई प्रॉपर्टी ना कोई और ऐसी चीज, क्योंकि इन हालात में प्रॉपर्टियां तो बिल्कुल ही मतलब जैसे कहते हैं वैल्यूलेस है। मतलब उस टाइम किसी का घर पड़ा, किसी ने क्या करना है, वो कहेगा खाने को बोरी रोटी की कोई खाने को कुछ है तो दे दो, तो मतलब कोई मूवेबल आइटम तो फिर कहीं वो होगा, घर तो कोई चला जाए ना फलस्तीन, अब कहे मैंने मतला लेना है इधर, इस टाइम चला जाए फलस्तीन और गजा में, पूछे जाके कैसे मतला है आजकल, या वो कहे
है कि ये जो फलानी बिल्डिंग जो है ये मैंने खरीदनी है, बताओ क्या मानते हो, देखिए फिर रेट क्या लगता है और क्या होता है। आप लोगों को पता नहीं, होश में ही नहीं आ रहे हैं। मैं तो ठीक है, थैंक यू सामा भाई, थैंक यू, हमने बड़ी डिटेल से, हमने पहले भी एक वीडियो की थी, हम ये फिर जो है वो सवाल उठ रहे थे, जो इकोनॉमिक रिसेशन जो है वो आ रहा है बरतानिया में और लोगों की जो जिंदगी है वो बड़ी मुतासर होनी थी, तो आपने बड़ी अच्छी तरह से गाइड किया। उसामा भाई अगली वीडियो हमने यूरोप के हवाले से करनी है कि यूरोप के लिए एक बड़ी वार्निंग जो है वो जारी होने वाली है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। फिलहाल इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।